अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग टाइम पे कैपिटल आ रही है तो हम प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं सेम क्वेश्चन ऊपर वाला प्रोडक्ट मेथड से कर रही हूँ। फर्स्ट कॉलम में हम ले लेंगे अमाउंट, पहले रहा ₹5 लाख। दूसरे कॉलम में हम ले लेंगे पीरियड, पीरियड मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स, मंथ्स ये पूरे साल रहे। फिर हम ले लेंगे प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का बाद में करते हैं। तो अगली कैपिटल थी 60,000, तो 60,000 हमने कितने महीने यूज़ की, 6। फिर हम 30,000 लेके आए, 30,000 हमने 2 मंथ्स यूज़ की। तो अब हम इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, तो इट बिकम्स 60 लैक्स। इट बिकम 3,60,000। इट इज 60,000। देन वी टेक द टोटल ऑफ दिस प्रोडक्ट, इट बिकम्स प्रोडक्ट टोटल इज 64,20,000। तो अब इसके ऊपर हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन फॉर 1 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दिस केस वुड बी 64,20,000 इंटू रेट 100 इंटू पीरियड 1/12। ध्यान रखो ये हमने पूरे साल का नहीं लिया, वी आर यूजिंग प्रोडक्ट मेथड, पीरियड इज बीइंग कंसिडर्ड इन दिस कॉलम नंबर ऑफ मंथ्स जहाँ पे हमने लिखा है। अब यहाँ पे क्योंकि सारा प्रोडक्ट टोटल के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर 1 मंथ। तो बच्चों देखो इट इज सेम, दिस इज 32,100, दिस इज ऑल्सो 32,100। आई होप यू हैव गॉट इट।